इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ़ोन पे के अंदर अगर आपको इस तरीके से इशू दिखाई देता है, अनेबल टू प्रोसीड, इंश्योर यू हैव सेट फोन फेस एसएमएस, द ऐप डिफ़ॉल्ट मैसेजेस परमिशन फॉर योर एसएमएस एंड फोन पे एंड योर फोन सेटिंग्स, तो यहाँ पर टेक्निकल टेम्परेली इस तरीके से इशू क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिएगा जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जब इस तरीके से इशू क्रिएट होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो जब ऐसा क्रिएट होता है तो सबसे पहले तो ये बोलता है कि सेट एसएमएस इन ऐप, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा इसका मतलब क्या होता है, और इनेबल एसएमएस ऐप इन फोन ऐप, ठीक है। और यहाँ पर टेक्निकल इशू बेसिकली, तब यहाँ पर आपको ध्यान में देना है जब आप एसएमएस प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पर जब मतलब कि वेरीफाई करते हैं तो उस सिचुएशन में आपके पास 128 रुपये से रिचार्ज ऊपर का होना चाहिए, नीचे का करवाएंगे तो उसमें ये वर्क नहीं करेगा। जो कुछ गाइडलाइंस हैं वहाँ पर ये चेंजेस वगैरह हुए हैं, तो आप जो है इससे ऊपर का रिचार्ज रखिएगा तब ये प्रोसेस करिएगा। अब यहाँ पर कुछ सेटिंग्स मैं आपको बताता हूँ जिससे कि ये कह रही है कि इसको आप सेट करिए जिससे कि आपका फ़ोन पे यहाँ पर वर्क कर सके एसएमएस के लिए। तो सबसे पहले आपको जाना कहाँ है, सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर जो है आपको ऐप्स में जाना है, मैनेज ऐप्स में जाना है, यहाँ पर मैसेजेस को सर्च कर देना है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपके पास फ़ोन थोड़ा से डिफरेंट्स होंगे, बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो ये दिखाई दे आपको क्लियर ड्राफ्ट डिफ़ॉल्ट्स, ठीक है, तो ये जो है आपका सेट रहना चाहिए इस वाली ऐप पर, मैन ऐप पर, ठीक है। यहाँ पर आपको ये करना है कि डिफ़ॉल्ट पर इसे इस पर लगाना है, और यहाँ से जो है एसएमएस की और फ़ोन की दोनों परमिशन को अलाउ कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही करना है, और उसके बाद बैग लाइए और यहाँ पर फ़ोन पे को सर्च करिए। तो फ़ोन पे को जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर अदर परमिशंस मिलेगी, तो एसएमएस सर्विसेज को यहाँ से डिने मत करिएगा, इसको अलाउ रहने दीजिएगा, कभी गलती से ये बंद हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ऐप परमिशंस पे फ़ोन की और एसएमएस की दोनों की परमिशन को इनेबल करके रखना है, ठीक है। इतना आपको करना है और यहाँ पर ज़्यादा कुछ मत करिएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैसेजेस में डिफ़ॉल्ट नहीं लग पाता है तो आप एक दफ़े यहाँ से डेटा क्लियर कर दीजिएगा, या फिर जो आपका डिफ़ॉल्टली लग रहा हो, ट्रू कॉलर वगैरह लग रहा हो, तो उसमें डेटा क्लियर कर दीजिएगा जिससे कि ये वाले ऐप में आपको सीधा का सीधा एक्सेस मिल सके और इसमें ही मैसेज आपका रिसीव हो। तो ये सोल्यूशन रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।